आज हम लोग जो घूर्णन गति का हम लोग चैप्टर चल रहा है क्लास 11वां का भौतिकी में जो हिंदी मीडियम में है, तो उसमें बल और घूर्णन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नया फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है बल और घूर्णन। तो देखो, बल तो जाहिर है, देख सुना होगा कि बल लगने से किसी वस्तु की क्या होती है, जो अगर रुका हुआ है तो वो उसको गतिशील कर सकते हैं, या बल किसी गति में है कोई वस्तु तो उसको क्या कर सकता है, बल धीरे धीरे रोकता है। उसी प्रकार कभी भी बल, अगर तुमको कोई वस्तु को अगर वृत्तीय गति में लाना हो, घूर्णन गति में, तो घूर्णन गति में लाने के लिए, मतलब उसको घुमाने के लिए, जिसको सीधा भाषा में कहें, किसी भी वस्तु को जो रुका हुआ है कभी उसको घूर्णन गति देना है, तो उसके लिए बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है। जैसे कि तुम्हारा रूम में जैसे पंखा चल रहा है, तो पंखा अगर चल रहा है तो पंखा में जब तक बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा तो उसको चला नहीं सकते। जैसे तुम किवाड़ खोलते हो, खिड़की का दरवाजा खोलते हो, खिड़की या गेट खोलते हैं, गेट को हम लोग घुमाते हैं, तो उसको घुमाने के लिए हम लोग बल लगाना सिर्फ आवश्यक नहीं है। बल किसी भी दिशा में लगाओ तो ऐसा नहीं किवाड़ खुल जाएगा, वो तो प्रैक्टिस है तुमको कि तुम उसी दिशा में बल लगाओ जिधर से किवाड़ क्या होगा खुलेगा। अगर तुम गलत दिशा में बहुत सब बल लगाने का बल लगाओगे लेकिन किवाड़ क्या नहीं होगा, नहीं खुलेगा। तो उसको सही दिशा में क्या करना पड़ता है, बल को लगाएंगे जिससे कि बल आघूर्ण वह उत्पन्न कर सके, तभी वह किवाड़ क्या हो पाएगा, घूम पाएगा। तो किवाड़ घूमेगा तभी खुलेगा या लगेगा। तो घुमाने के लिए कभी भी किसकी जरूरत होती है, कोई वस्तु अगर रुका हुआ है तो उसको घुमाना है तो उसके लिए बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है। तो बल आघूर्ण को परिभाषित कैसे करेंगे, तो ये तो इसका उपयोग देखा, इसको परिभाषित करते हैं। बल आघूर्ण जो होता है तुमको किसी बिंदु के परितः, पहले मैं परिभाषा लिखता हूं उसके बाद इसको दिखाते हैं, किसी बिंदु के परितः किसी बल का बल आघूर्ण, किसी बल का बल आघूर्ण बल की क्रिया रेखा, तो मान लीजिए यहां पर बल की क्रिया रेखा के किसी बिंदु का दिए गए बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश एवं बल के सदिश गुणन के बराबर होता है। सदिश गुणन के बाद किसी बिंदु का, जैसे है तुमको यहां पर एक बिंदु है इसके परितः अगर तुमको कोई बल है, तो बल जैसे इस बिंदु O के परितः किसी बल का बराबर, तो बल जैसे है तुमको F लग रहा है यहाँ पर, तो इसको कहते हैं बल के, इसको कहीं भी आगे बढ़ा दें, बल का क्रिया रेखा आगे पीछे इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये क्या होगा बल की क्रिया रेखा, इसको F कहें। इस बिंदु के परितः, इस O के परितः, बिंदु O के परितः इस बल का बल आघूर्ण निकालना, इस पर कोई भी बिंदु ले लो, जैसे कि यहाँ पर बिंदु O है तुम्हारा, बिंदु O से क्या करना है इसका निकालना है, कोई भी इस कर्ण पर कोई भी एक बिंदु, इस क्रिया रेखा इसको कहते हैं बल की क्रिया रेखा, बल की क्रिया रेखा पर कोई भी एक बिंदु हम लोग ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये बिंदु ले लिए इसका स्थिति सदिश, इसका जैसे यहाँ पर P बिंदु ले लिए इसका स्थिति सदिश क्या होगा, इसके सापेक्ष R वेक्टर इसको कहें, तो इसका जो बल आघूर्ण हो जाएगा इस बल बिंदु O के परितः, यहां पर इस चित्र में देखते हैं बिंदु O के परितः बल F का बल आघूर्ण होता है, इसको संकेत टॉर कहते हैं, इसका ऐसा एल को उल्टा करके जैसा लिखा गया इसको टॉर कहते हैं, टॉर इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए टॉर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो सदिश गुणन करने के लिए सीखा होगा,
तो सदिश गुणन में तुमको एक आर क्रॉस एफ करते हैं, ए क्रॉस बी क्या होता था, ए मॉडुलस बी और साइन थीटा और एन है उसका दिशा भी होता है, ये सदिश राशि होता है। अदिश गुणन में होता था कॉस थीटा जो कि अदिश राशि होता है। और अगर ये तुमको ये जो है तुमको बल के जैसे कि इसका दोनों में दो सदिश के बीच का कोण लेते हैं तो इसको तुमको आगे बढ़ा के इसको समझना पड़ता है। इसका यहाँ पर हेड अभी आ रहा है, हेड से नहीं आता टेल आना चाहिए, और बल का भी इधर बल इधर जा रहा है इसका भी क्या आना चाहिए टेल आना चाहिए, तो दोनों का टेल तुमको आगे इसको मैच करा दे टेल, तो ये कौन थीटा लेंगे हम लोग, ये कौन क्या लेंगे हम लोग थीटा, तो ये तुम्हारा थीटा अगर हो जाए तो इसको हम लोग सदिश में इसको अगर हम लोग आर क्रॉस एफ को तोड़ेंगे तो टॉर्क बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, मॉडुलस आर मॉडुलस एफ साइन थीटा और एन कैप। इसका जो कि तुमको तो पहले दोनों का अगर परिमाण पता हो, दोनों के बीच का कोण पता हो, तो उसका क्या करते हैं उसका टॉर्क का परिमाण निकाल सकते हैं। और दिशा याद करने के लिए क्या करते हैं, याद होगा कि अगर तुमको इसका जो कि दिशा निकालने के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड थंब मतलब कि दाहिना हाथ का क्या होगा तुम्हारा जो अंगूठा नहीं, तो इसके लिए क्या करते हैं अपना जो आर क्रॉस एफ है जैसे कि ए क्रॉस बी निकालने के लिए सीखा होगा, तो एक पहला वेक्टर की तरफ क्या रखना है, पहला वेक्टर की तरफ अपने दाहिने हाथ की उंगली को फैलाना है और इस तरह से फैलाना है कि ये दूसरे सदिश की ओर क्या हो सके मुड़ सके, तो तना हुआ जो अंगूठा होगा वो किसको बताता है बल आघूर्ण की दिशा को बताएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा जो आर वेक्टर है यहाँ पर ये जो कटिंग पर इससे आगे बढ़ा दीजिए इसे आर, ये आर ऐसे है तो पहला आर की दिशा रख दिए और उंगली को इस ढंग से मोड़े कि देखो ये बल की दिशा में ये बल ऊपर की ओर माना जाएगा इसको इधर की ओर, क्योंकि तेल की तरफ मुड़ रहा है तो ये जो अंगूठा है मेरा इधर जा रहा है ऊपर की ओर, इसका जो है या और कैसे घूम रहा है देखो ये जो घुमाएगा ये बल आघूर्ण तुमको घुमाने का कोशिश करेगा कि किस दिशा में तुमको ये घुमाना चाह रहा है तुमको घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज उंगली घूम रहा है और ये उठा ऊपर की तरफ, इसका दिशा ऊपर की तरफ हो गया। चित्र में जो तुम्हारा हो गया ये बल आघूर्ण किस दिशा में है तुमको एंटी क्लॉकवाइज या ऊपर की ओर इसका दिशा आ रहा है, ये तुम्हारा इसका बल आघूर्ण का ये दिशा निकालने का हो गया। और इसका जैसे कि तुम डिटेल में देखना चाहोगे तो राइट ऐप पर तुम्हारा जो वीडियो है तुमको सदिश का सदिश गुणन करके जो वीडियो होगा उसमें भी मतलब हाथ का दिशा निकालने के लिए अगर जिसको दिक्कत है तो वहाँ और भी डिटेल में क्या कर सकते हैं उसको सीख सकते हो जाकर के, जो क्या सदिश करके तुम्हारा जो वीडियो अपलोड है तुम्हारा पढ़ा होगा उम्मीद है। तो ये तुम्हारा वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आई क्रॉस, उसमें वेक्टर प्रोडक्ट में जहाँ तक कुछ याद होगा अगर साइन थीटा होता है तो आई क्रॉस आई क्या हो जाता है तुम्हारा जीरो होता है, दोनों एक ही दिशा में होता है याद होगा तुम्हें आई क्रॉस आई क्या हो गया तुमको शून्य होता है, आई अपने से करते थे तो साइन साइन थीटा है ना, तो आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के बराबर क्या होता है जीरो ऐसा होता है, और आई क्रॉस जे जो होता है तुमको ये होता है के दो को करते हैं तो क्या होता है तीसरा, और इसी में जे क्रॉस आई का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के, तो आई क्रॉस जैसे कि आई इधर होगा एक्स एक्सिस इधर भी अगर देखो इसको करके दिखाते हैं इधर एक्स एक्सिस है इधर तुम्हारा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस तरफ आई होता है वाई एक्सिस तरफ जे होता है, तो जेड एक्सिस इधर होता है जेड एक्सिस ऊपर की होता है जेड एक्स ऊपर की तरफ होता है इसमें इधर दिखाते हैं इधर तो के होता है इधर की, देखो पहले आई की तरफ हाथ को रखिए और इसको क्या होगा तुमको इसको जे की तरफ मोड़ दिए तो दैट ऊपर चला गया दैट इज के हो गया इसलिए के लिखिए इसका आंसर, और तुमको जैसे कि जे क्रॉस आई करें तो हाथ को रखने का तरीका उलटना पड़ेगा ऐसे रखेंगे देखो आई की तरफ मेरा नहीं मुड़ पाएगा, ये रखना का तरीका गलत हो जाएगा तो ऐसे रखेंगे देखो ये क्या अंगूठा अंदर की ओर जाएगा और ये किस तरीके से घूमेगा क्लॉक वाइज में, इसलिए अंदर की तरफ जाएगा तो के विपरीत हो गया मतलब जेड एक्स ऊपर था उसके विपरीत माइनस के, अब इसी ढंग से देखो जे क्रॉस के करते हैं जे क्रॉस के होता है तुमको आई और के क्रॉस जे हो जाएगा माइनस आई, तो कभी भी याद रखें दो को करेंगे तीसरा डायरेक्शन निकालने के लिए जैसे जे क्रॉस के तो देखो इसमें हाथ कैसे घुमा के दिखाते हैं जैसे यहाँ पर जे है ऊपर की ओर और के देखो तो बिल्कुल सही दिशा में रखिए हाथ को एक के बाद में देखो इस ढंग से रखेंगे तो नहीं होगा ऊपर नहीं मुड़ेगा मेरा उंगली के की तरफ मुड़ना के ऊपर है तो देखो जे क्रॉस के तो ये अंगूठा देखो आई की तरफ इसलिए आई और के क्रॉस जे करना होगा देखो के ऊपर है ऐसे रखेंगे इस ढंग से रखेंगे देखो मेरा उंगली किधर जा रहा है इधर की ओर अंगूठा उंगली इधर मुड़ जाएगा तो ये अंगूठा देखो माइनस आई के क्रॉस जे तो किस तरह से अपने से करके देखोगे भी, और तुमको तीसरा है तुमको के क्रॉस आई अगर करेंगे तो के क्रॉस आई होता है जे और आई क्रॉस के होता है तुमको माइनस जे,
तो के क्रॉस आई करना चाहोगे, ये जैसे अभी सिखाए थे जैसे के की तरफ पकड़ दिए आई की तरफ मोड़ेंगे इसे, देखो तो के क्रॉस आई क्या होगा, देखो बिल्कुल अंगूठा जा रहा है जी की तरफ, और अगर पहले पहले जे क्रॉस के करना तो जे की तरफ रख के ऊपर मोड़ेंगे, देखो माइनस आई चला जाएगा नीचे, तो इसको करके अपने से देखोगे, ये तुमको पहले से किया भी होगा, और इसके आधार पर तुमको एक उदाहरण दिया हुआ तुम्हारे जो किताब में है, तुम्हारा जो घूर्णन गति की जो अध्याय है उसमें जो है तुमको क्वेश्चन नंबर छठा जो कि दिया हुआ है तुम्हारा, उसमें तुमको बताया हुआ है तुमको एक बल आघूर्ण, बल आघूर्ण के बाद जो तुम्हारा टॉपिक है उसमें तुमको क्या मिल जाएगा, इसका बल आघूर्ण के बाद एक उदाहरण दिया हुआ है जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो उसके बीच का तुमको क्रॉस प्रोडक्ट इसकी मदद से क्या कर सकते हो, कर सकते हो, और क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए सदिश गुणन में के वीडियो में भी नहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट कर देख सकते हो, तो बल आघूर्ण में का तुमको जहां तक है तो ये तुमको किसी बिंदु पे पड़े इससे क्या निकल जाएगा, बल आघूर्ण निकाला जा सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट इसका उदाहरण तुम बना लोगे, अगर दिक्कत होगा तो हमसे ऐप के बाद राष्ट्रीय ऐप पर जो दिए गए नंबर के मुताबिक संपर्क करके पूछ सकते हो। तो अभी जो तुम्हारा है अगला जो तुम्हारा होगा बल आघूर्ण हो गया तुम्हारा, बल आघूर्ण का जहां तक है किसी अक्ष के परितः बल आघूर्ण, पहले देखते हैं किसी अक्ष के परितः बल आघूर्ण, किसी बिंदु के परितः बल आघूर्ण ये हो गया, किसी बिंदु के परितः बल आघूर्ण करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक बल की क्रिया रेखा के किसी बिंदु का स्थिति सदिश ले लेते हैं और उसको बल से क्या कर देते हैं, बल से उसका सदिश गुणन निकाल देते हैं, इस प्रकार से क्या निकल जाता है उसका बल आघूर्ण का मान निकल जाए। अब है तुमको बल का हो गया तुम्हारा किसी अक्ष के परितः बल आघूर्ण, किसी अक्ष के परितः बल आघूर्ण, अक्ष के परितः, अक्ष क्या होगा तुमको जैसे एक रेखा हो गया अक्ष के परितः, तो किसी अक्ष के परितः बल आघूर्ण निकालना हो किसी पर लिख लेते हैं उसके बाद समझाते हैं, किसी अक्ष के परितः बल आघूर्ण ज्ञात करने के लिए, बल आघूर्ण ज्ञात करने के लिए, बल आघूर्ण ज्ञात करने के लिए अक्ष के किसी बिंदु, अक्ष के किसी बिंदु के परितः बल आघूर्ण ज्ञात कर उसका प्रोजेक्शन कर सकते हैं, उसका प्रक्षेप अक्ष के अनुदिश ज्ञात कर अक्ष के परितः बल आघूर्ण प्राप्त किया जाता है, अक्ष के परितः, अक्ष के परितः बल आघूर्ण प्राप्त होता है। तो किसी अक्ष के परितः एक रेखा हो गया, जैसे मान लेते हैं कि तुमको एक रेखा है तुमको जिसके परितः हमको बल आघूर्ण ज्ञात करना है, मान लेते हैं एक रेखा ये हो गया, इसके परितः हमको ये अक्ष हो गया, तुमको ये अक्ष हो गया जिसके परितः हमको बल आघूर्ण ज्ञात करना, तो इसके किसी भी बिंदु के परितः बल जैसे है तुमको बल का किसी भी बिंदु के परितः क्या निकालिए, बिंदु O हो गया, यहां पर बल है अगर यार, तो इसका किसी भी बिंदु के परितः क्या निकाल लेते हैं, इसका इसका बल आघूर्ण निकाल, जैसे यहां पर निकाल लिए तो ये तुम्हारा हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया क्या चीज, इसका जो है इसके परितः क्या होगा तुमको बल आघूर्ण, तुमको निकाल लेता है आर क्रॉस क्या कर दो एफ कर दो, इस बिंदु के परितः बल आघूर्ण निकल जाएगा। इसके बाद क्या करना है, तो जैसे टॉर्क अबाउट ओ जो हो गया दैट्स इक्वल्स टू क्या हो गया तुम्हारा आर क्रॉस एफ, ये हो गया तुम्हारा। अब इस अक्ष के परितः जैसे यहां पर जो है बल आघूर्ण, तो इसका जो आर क्रॉस एफ आएगा, आर क्रॉस एफ का अक्ष के अनुदिश, अनुदिश प्रक्षेप बराबर मॉडुलस आर क्रॉस एफ इंटू कॉस थीटा, जहां पर कि थीटा, जहां थीटा प्रक्षेप जो जहां थीटा बराबर
आर क्रॉस एफ एवं अक्ष के बीच का कोण, बीच का कोण प्रक्षेप क्या करना है कॉस थीटा, जहां पर ये थीटा क्या होगा आर क्रॉस एफ और ये तुम्हारा आर क्रॉस एफ और ये जो तुमको क्या है आर क्रॉस एफ और किसके बीच का अक्ष के बीच का ये कोण है, तो आर क्रॉस एफ और अक्ष के बीच का ये कोण है, तो ये टॉर्क हो जाएगा तुमको, आर क्रॉस एफ किधर हो गया तुम्हारा ऊपर की ओर हो गया और अक्ष के अक्ष किधर है तुमका इधर हो गया, दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा तुमको इधर ऊपर है तो तुमको 90 डिग्री हो गया, ये कॉस 90 डिग्री हो गया तुमको, देखो तो तुमका कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो अक्ष जब तुमको देखो ये जो बल और अक्ष अगर एक ही तल में होता है तो उसका बल आघूर्ण हमेशा शून्य होता है, जैसे क्या बल तुमको इसका देखो बल आघूर्ण क्या हो गया इसका इसका बल आघूर्ण इसका स्थिति में जैसे कॉस यहाँ पर अभी जो चित्र बना हुआ है इसमें कॉस 90 डिग्री चित्र बन जाएगा तुम्हारा, तो इसलिए देखो क्या बताया कि पहले तुमने आर क्रॉस एफ किया था, आर क्रॉस एफ करने पर किधर जा रहा आर क्रॉस एफ ऊपर क्यों गया, इसका जब x से इसका कोण देखते हैं इस अक्ष से देखो इसका कोण कितना बन रहा है उसका ऊपर है तो अक्ष से कोण 90 डिग्री का बन रहा है और प्रक्षेप निकालेंगे cos से गुणा करना पड़ता है, cos 90 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो जब बल और अक्ष अगर एक ही तल में हो तो उसका जो है तुमको मैं इसका स्टार करके मैं लिख देता हूं इसको बल एवं अक्ष, बल एवं अक्ष समतलीय होने पर बल आघूर्ण टॉर्क बराबर जीरो, बल आघूर्ण क्या होता है जीरो होता है एक डिस्टेंस है, दूसरा होता है तुमको जब बल की क्रिया रेखा अक्ष को काटती है तो बल आघूर्ण भी शून्य हो जाएगा, बल आघूर्ण बराबर शून्य, अगर तल में रहा या अगर काटते हुए जा रहा, अगर एक तल में नहीं भी है और अगर काट रहा हो चाहे तल में रहे या ना रहे, अगर काट रहा है क्रिया रेखा तो उसका शून्य हो जाएगा, अक्ष को जैसे कि इस बल को जैसे कि यहां पर भी अभी चित्र बना हुआ है, अगर ये बल यहां अक्ष खत्म होगा यहां पर इसको तो आगे बढ़ा आगे पीछे बढ़ाने की कट भी जाएगा, ये कट भी गया तो इस आधार पर भी शून्य हो गया या एक तल में इसलिए भी क्या हो गया शून्य हो जाएगा इसका बल, ये तो बल आघूर्ण अब तुमको ये कह सकता है कोई कि तो बल आघूर्ण उत्पन्न कैसे होता है जब सब शून्य ही हो रहा है, तो बल आघूर्ण उत्पन्न होने के जरूरी ये होगा तुमको बल आघूर्ण प्रभावी तब होगा जब अक्ष और तुमको बल दोनों एक तल में ना, जैसे कि तुम अगर किसी चीज को कोई किवाड़ को खोलते हो किवाड़ को लगाते हो तो तुम देखोगे तुम्हारा बल का दिशा और अक्ष जैसे तुम्हारा क्या था अक्ष जैसे कि तुम्हारा इस ढंग से है तुम्हारा किवाड़ ऐसे तुम्हारा ये किवाड़ है ऐसे बोल दे तो तुम कभी भी किवाड़ में यहां पर तुमको ये तुम्हारा अक्ष है यहां पर जो उसके कब्जा जिसको लगा हुआ था जो रिंज यहां पर लगा हुआ यही तुम्हारा क्या अक्ष होता है इसी के परिधि किवाड़ तुम्हारा क्या होता है घूमता है, तो तुम कभी भी अगर इसके दिशा में तुम कभी भी बल लगाओगे ना इसको जैसे बल तुम इस ऐसे लगा दो नहीं घूमेगा किवाड़ बल तुम ऐसे लगा दो तब भी किवाड़ क्या रहेगा नहीं घूमेगा ऐसे इस बोर्ड पर जितना बल खींच सकते हो कोई भी बल लगा दो ऐसे लगा दो किवाड़ को नहीं खोल पाओगे, तो बात है किवाड़ खोलते कैसे हो या लगाते कैसे हो तो क्या करते हैं देखो बल का दिशा कैसे होता है गौर करो, अगर हम लोग गेट खोलते हैं बल आघूर्ण की सब उत्पन्न करिए क्या बोले समझ फिर से देखो ये अगर किवाड़ है तो इसपे यहां पर अक्ष हो गया तुम्हारा ये इसी के पड़े घूमेगा किवाड़ ये अक्ष हो गया, तो ये अक्ष में अब ऐसा क्या बोलेंगे अगर तुम बल ऐसे लगाते हो तो समानांतर तो हुआ लेकिन इसका बल आघूर्ण तो इस बिंदु पर निकलेगा लेकिन cos 90 क्या हो गया एक तलिया हो गया एक तल में इसका बल आघूर्ण क्या हो गया शून्य हो गया ऐसे किवाड़ खोलता भी नहीं कभी, दूसरा क्या होता है तुम ऐसे भी किवाड़ खोलना चाहोगे तो देखो ये कट गया कट गया तो इसका बल आघूर्ण क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा ऐसे भी किवाड़ क्या नहीं हो सकता नहीं खुल सकता, तो अब दूसरा क्या 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 तो खोलते कैसे हैं तो देखो बल जो लगाते हो उसको गौर करो बल तुम जैसे ऐसे किवाड़ है ना तुम्हारा ये किवाड़ तो बल तुम ऐसे लगाते हो ऐसे इस ढंग से तो देखो ये जो तुम्हारा ये तल अलग है देखो ये तल तुम्हारा अलग हो गया इस पर तल पर जो बल हो गया ये लंबवत है ये तल में नहीं है किवाड़ तुम्हारा ये उंगली को किवाड़ के तरह देखें तो ये तुम्हारा बल क्या जा रहा है देखो लंबवत हो गया अब अगर इसको अगर इसको बोर्ड पर अगर बोर्ड पर ऐसे रखें अगर किवाड़ को तो देखो ये जो मेरा बल जा रहा है देखो एकदम क्या जा रहा है इसके लंबा मतलब इस तल में नहीं
अगर इस बोर्ड ये किवाड़ है तो मेरा तक बल क्या लगा देखो इसके अंदर लगा, तो जब भी बल खुलता है तो वो क्या होगा तुम्हारा उसके तल में क्या मुझे बल को नहीं होना चाहिए तभी खुलता है। तो बल अगर निकलेगा तो इस समझ में आ गया होगा कि जब बल और अगर अक्ष एक तल में होगा जिसको बोर्ड पर, अब देखो इस बोर्ड इस जो कि बल को है हम लोग बोर्ड पर खींच भी नहीं सकते, बल ये अंदर की ओर लग रहा या बाहर की ओर को लगेगा तो उसको क्या नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए तो बोर्ड अंदर चला जाएगा या तो क्या निकलेगा बाहर, तो उसको अंदर से पेन जा नहीं सकता ऊपर भी पेन से क्या नहीं कर सकते हम लाइन एक तल में नहीं हुआ। तो बल जब भी क्या रहेगा एक तलिया रहेगा तो वो शून्य हो जाएगा और इसलिए क्या होना पड़ेगा इसको कहते हैं लोग स्क्यूब लाइन कहते हैं इसको, मतलब दोनों क्या होते हैं दोनों की रेखा क्या होती है नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, समानांतर भी ना हो और कटे भी नहीं जैसे तभी उसका बलाघू निकलेगा, समानांतर भी नहीं और कटे भी नहीं तब बलाघू उसका निकलता है स्क्यू लाइन इसका। तो बलाघू के बारे में सीखा होगा कैसे बलाघू उत्पन्न होता है, तो तुम्हारा ये हो गया बलाघू, बलाघू अक्ष के पड़ता है तो उसके लिए तुमको कॉस थीटा से गुणा करना पड़ता है। तो चलो अब है तुम्हारा बलाघू जैसे कि है तुमको एक जो होता है बल युग भी इसका एक विशेष स्थिति है बलाघू का बल युग जिसको कहते हैं लोग कपल, कपल तो बल युग क्या होता है तुमको दो बल, दो बराबर एवं विपरीत बल, दो बराबर एवं विपरीत बल जब एक दूसरे से कुछ पृथक हो दूसरे से कुछ अलग हो वे बल युग्म का निर्माण करते हैं, बल युग्म का निर्माण करते हैं, बल युग्म का निर्माण करते हैं। बल युग्म क्या होगा तुम्हारा बल और एक बल तुमको दोनों बराबर और विपरीत बल अगर कुछ दूरी से पृथक होगा तो वो बल युग्म बनाएगा, जैसे ये बल बल है एक इधर बल और एक इधर की तरफ बल लगा ये दोनों क्या बना गया एक बल युग्म बनाया, ये दोनों मिलकर एक बल युग्म बनाया। तो इसका जैसे है तुमको इसका जो आघूर्ण होगा ये बलयुग बराबर विपरीत बल कुछ जैसे यहां पर लग रहा है ये बलयुग बनाए बलयुग का जैसे तुमको पहले निकाल लेते उसके बाद इसका व्यवहारिक अर्थ समझाते हैं कहां कहां उपयोग होता है बलयुग का। यहां पर ए बिंदु दे दो और यहां पर बी दे दो तो इसमें ओ बिंदु से जान गुजरने वाला अगर कोई लंबत अक्ष है यहां पर जैसे लंबत अक्ष है इसके परितः बलाघूर्ण क्या होगा उससे गुजरने वाले अक्ष के परितः जो मतलब ओ से गुजरने वाला लंबा अक्ष होगा चाहे ओ बिंदु के परिधि ओ बिंदु के परिधि जो आघूर्ण निकालना होगा तो टॉर्क अबाउट जो ओ होगा बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा पहला इस बल का तो हो जाएगा आर क्रॉस आर मतलब ओ ए हो गया क्रॉस एफ और प्लस क्या हो जाएगा तुमको इसका हो जाएगा ओ बी दूसरा बल का और विपरीत इसको माइनस एफ कर दो ओ बी क्रॉस माइनस एफ इसको क्या लिखे इसको एफ वेक्टर लिखे विपरीत दिशा में इसको क्या कह सकते हैं लोग माइनस बराबर परिमाण में बराबर होगा लेकिन दिशा में दोनों क्या है विपरीत है तो ये बल अगर इस बल को हम लोग एफ वेक्टर कहते हैं इसको अगर एफ वेक्टर कहेंगे इसको क्या करना पड़ेगा हमको इसको माइनस एफ वेक्टर करना पड़ेगा दिशा परिमाण बराबर लेकिन दिशा क्या होगा विपरीत है तो टॉर्क अबाउट ओ जो हो गया तुम्हारा ओ ए क्रॉस एफ हो गया टॉर्क अबाउट ओ जो हो गया दैट्स इक्वल टू ओ ए क्रॉस एफ वेक्टर और यहां पर माइनस एफ है तुम्हारा तो ओ बी को मैं माइनस लगा देंगे तो ओ बी ओ माइनस लगाए तो ये बी ओ हो जाएगा ये क्या हो जाएगा इसको हम लोग माइनस हाथ कह सकते हैं इसको बी ओ मतलब इसको पलट दिशा पलट दे यहां पे माइनस यहां पे माइनस बी ओ हो गया तो टॉर्क अबाउट ओ बराबर क्या हो गया ओ ए क्रॉस एफ ओ ए को ओ बी बी ओ को आगे ले लो बी ओ क्रॉस एफ प्लस ओ ए क्रॉस ऐसा लिख सकते हैं लोग अब इसको टॉर्क अबाउट ओ बराबर ये हो जाएगा बी ओ वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर अक्रॉस क्या होगा तुम्हारा एफ वेक्टर
that's equal to BA cross F. ये क्या है तुम्हारा BA cross F. BA तुम्हारा BA मतलब क्या है तुम्हारा बल की, अगर लंबवत है दोनों बल की क्रिया रेखा के बीच की दूरी, बल का मतलब क्या है तुम्हारा बल एवं बल के क्रिया रेखा के बलों के बीच की दूरी है तुम्हारा, ये बलों के बीच का मतलब जो होगा BA cross F यही होगा तुम्हारा, जैसे बल आघूर्ण हो गया था बलयुग। अब बलयुग देखो कहां कहां काम करता है, जैसे देखो तुम गौर करोगे बलयुग का हम लोग बहुत जगह पर उपयोग करते हैं, किसी चीज का ढक्कन खोलना, देखो जैसे मान लो यहाँ पर ढक्कन खोलते हैं इस ढक्कन, ये घूमने वाला देखो कैसे बल लगाते हैं, देखो जैसे बल का अपना हाथ का इशारा, देखो ये बल देखो इधर लगाने की कोशिश कर रहा है ये उंगली, और ये उंगली इसको इधर घुमाने की कोशिश कर, देखो गौर से देखो इस बात को समझो, देखो बल ये ढक्कन को खोलना, देखो ये इधर भाग रहा है देखो उंगली, और ये बल इधर भाग रहा है इधर, तो दोनों देखो बलयुग लगता हुआ दिख रहा है, एक इधर बल लग रहा है एक उसके विपरीत इधर बल लग, ये ढक्कन को खोलने से हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पर बलयुग लगाते हैं, तभी ये ढक्कन क्या होता है धीरे धीरे खुलता है, तो एक बल ने लगा के यहाँ पे जोड़ा बल लगा रहा है, देखो दोनों विपरीत दिशा में लगाते हैं, देखो जैसे दोनों क्या लगा रहे हैं बिल्कुल, दोनों देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा हो। इसी तरह से तुम जैसे स्क्रू ड्राइवर स्क्रू खोलते हो, स्क्रू खोलते हो स्क्रू ड्राइवर देखो किस ढंग से रखते हो, यहाँ पर जब इसे स्क्रू खोलना है स्क्रू जैसे खोलते हो तुम, स्क्रू यहाँ है स्क्रू ड्राइवर से, देखो स्क्रू ड्राइवर से तुम बल जो लगाते हो स्क्रू ड्राइवर ऐसे नजर ऐसे खड़ा रहता है, इसमें देखो बल ऐसे यहाँ लगाते हैं इधर और इसमें बल लगाते हैं इधर, देखो यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर इसको जैसे घुमाएंगे स्क्रू ड्राइवर ऐसे, तो क्या होता है बल लगेगा इधर और एक बल लगेगा इधर, इससे क्या होगा कसाएगा स्क्रू, क्या होता है इससे कसाएगा यू मतलब देखो क्या होगा तुम्हें ये तुमको बल जैसे यहाँ पे स्क्रू है राइट हैंड स्क्रू है, तो राइट हैंड स्क्रू है तो ये तुमको आर इधर रहा क्रॉस एफ, ये क्या होगा इधर घुमा और ये भी तुम्हारा देखो ये भी तुम्हारा आर क्रॉस एफ इधर ही घुमाएगा, तो दोनों का बलागुण क्या होगा जुट गया, देखो आर क्रॉस एफ ये भी आर इधर है क्रॉस एफ, तो ये बलागुण क्या होगा दोनों का जुट गया, दोनों का बलागुण जुट गया तो ये तुमको तो बल गुना दोनों के बीच का दूरी, तो जितना अधिक बल लगाएंगे इस स्क्रू में उतना ही ज्यादा क्या होगा खुलेगा, इस स्थिति ऐसे बल लगाने से क्या होगा ये देखो ये अंगूठा जा रहा है ऊपर ना, इसका मतलब धीरे धीरे क्या होगा स्क्रू से खुलेगा, इसी को देखो जिसको कंफ्यूजन होता है कभी स्क्रू बंद होगा खुलेगा कभी कभी कंफ्यूज करता है, तो उसके लिए क्या बताया उसके लिए क्या तरीका है आर इधर रखिए क्रॉस एफ किए, देखो अंगूठा ऊपर गया इसका मतलब ये स्क्रू ऊपर बढ़ेगा, इट मीन्स कि ऊपर स्क्रू क्या हो जाएगा ये खुल जाएगा इसे, और अगर इस तरह से बल पर जैसे अगर इसको नीचे कसना है इसको तो बल पर बल लगाने का दिशा को क्या करना पड़ेगा आपको इसे पलटना पड़ेगा, तो ये ऐसे लगेगा बल एक तरफ ये इधर एफ लगेगा इधर एफ लगेगा, देखो इसमें आर क्रॉस एफ करें तो आर क्रॉस एफ देखो क्या होगा तुम्हारा अंदर जाने लगा उठा अंदर मतलब ये स्क्रू किधर जाएगा अंदर जाएगा मतलब ये स्क्रू क्या होगा टाइट होगा। इसी तरह से रिंच में भी देखोगे रिंच जो तुम्हारा जिससे कि नट वगैरह घूमता है उसमें भी क्या तो सब घुमाना जहां वहां बला घूम है जैसे नट है तो रिंच से भी खोलते हुए क्या करते हैं इसको यहाँ पे देखो हर जगह पर यहाँ पे क्या लगता है तुमको बल लगाने का वहां पॉइंट बना हुआ होता है तो बल लगाता है जिसके कारण की वह खुलता है, तो देखा होगा कि ये सब जो बल आघूर्ण है उसमें उसी का एक विशेष रूप होता है जिसको हम लोग बल यूज करते हैं, और इसी का एक उदाहरण तुम्हारे किताब में दिया हुआ है कि दोनों को इसको सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है तुम्हारे किताब में कि दोनों के बीच का जो यही बताएं दूरी गुना उसका बी ए क्रॉस एफ यही प्रूव करने के लिए तुम्हें क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है बलयुग का। देखो तुम्हारा उदाहरण जो तुम्हारा होगा सातवां नंबर से उदाहरण है बलयुग के बाद जो उदाहरण है वहां पर देखो बल आघूर्ण के बाद उसमें तुमको इसको प्रूव करने के लिए दिया हुआ है, तो वो उदाहरण भी इसी के साथ शामिल हो गया, और एक उदाहरण तो बोले सदिश गुणन का है उसको भी प्रैक्टिस करोगे और तुमको ये बलयुग्म हो गया तुम्हारा। अब है तुमको बलयुग्म हो गया तुम्हारा बलाघूर्ण हो गया, और कुछ जैसे बलयुग्म बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जड़त्व आघूर्ण के बीच में संबंध है जैसे कोणीय त्वरण के बीच में संबंध आता है, बल आघूर्ण से अगर लगेगा तो कोणीय त्वरण उत्पन्न करेगा, कोणीय त्वरण वगैरह पढ़ चुके होंगे, कोणीय त्वरण कोणीय वेग की सब पढ़ाई हुई है तुम्हारा इसके पहले, तो बल आघूर्ण जैसे कि F बराबर ma जैसे होता है एक सूत्र है F इज इक्वल टू ma बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, उसी ढंग से बल आघूर्ण जो है तुमको कोणीय त्वरण उत्पन्न करेगा, तो इसमें एक बल आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण में संबंध एवं कोणीय त्वरण में संबंध बल आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण में संबंध, बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण में क्या संबंध है देखो
जैसे कोई बल आघूर्ण लग रहा, जैसे कि बल आघूर्ण एक वस्तु है, अगर इस पर क्या हो गया तुम्हें एक एक अक्ष है जो कि यहाँ पर मानते तल के लंबवत होगा, वो बिंदु से मिलेगा तल के लंबवत अक्ष, तल के लंबवत अक्ष जिसका बिंदु एक फाड़ है वो मान लेते हैं यहाँ पर, इसका इसमें जो तुमको है एक मान लेते हैं कि इसका त्वरण है ए पर, मतलब कि ये अल्फा परिपरण से क्या घूम रहा, इसका त्वरण परिपरण क्या है अल्फा, तो अल्फा है तो इसमें जितना बस जो ये जो दृढ़ पिंड बना होगा रिजिड बॉडी जो बना हुआ है दृढ़ पिंड, ये तुमको किसी बहुत से कण होंगे इसमें, तो ये तुमको ओ अक्ष के परिधि अल्फा कोण से क्या हो रहा है तुमको ये घूम अल्फा परिपरण से होगा, तो परिपरण से मतलब वेग धीरे बदल बढ़ते जाएगा, तो अल्फा परिपरण है इसका, तो हर कण जो है इस दृढ़ पिंड बहुत से कण है, कोई भी पिंड होता है उसमें बहुत से कण, तो एक कण लेते हैं जो कि इस अक्ष से मान लेते हैं यहां पर इसका द्रव्यमान है एम आई और इसका अक्ष से दूरी है आर आई, इसका दूरी है आर आई, लिख लेते हैं एक दृढ़ पिंड ओ बिंदु से गुजरने वाले, ओ बिंदु से गुजरने वाले लंबवत अक्ष के परिधि, लंबवत अक्ष के परितः अल्फा कोणीय त्वरण से गतिशील है, अल्फा कोणीय त्वरण से क्या है गतिशील है, तो इस दृढ़ पिंड के किसी बिंदु का त्वरण ए आई बराबर अल्फा आर आई, ए आई बराबर होता है अल्फा गुना आर आई, पढ़ा होगा दोनों संबंध त्वरण, तो बल जो होगा तुम्हारा बल कितना लगता होगा बल एफ आई बराबर क्या जाएगा बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, तो एफ आई बराबर क्या हो गया एम आई अल्फा आर आई, ठीक है, अब बल निकलेगा इसका ओ के परितः बल, ओ के परितः बल आघूर्ण टॉर्क ओ बराबर क्या हो गया इसका टॉर्क ओ बराबर आर गुना कर देंगे इसको दो लंबवत है ही आर आई गुना एम आई अल्फा आर आई, तो टॉर्क बराबर हो गया तुमको एम आई डेल्टा टॉर्क भी कर सकते हो एम आई आर आई का स्क्वायर इंटू अल्फा, तो सभी दृढ़ पिंड पर कुल बल एक कण पर हुआ दृढ़ पिंड पर कुल बल आघूर्ण, कुल बल आघूर्ण इसको टॉर्क बराबर क्या होगा सिग्मा टॉर्क सिग्मा डेल्टा टॉर्क, मतलब ये छोटा सा टॉर्क इसको जोड़ देंगे तो कुल टॉर्क निकाल दी, इसका मतलब समेशन क्या होगा तुम्हारा एम आई आर आई का स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा तो कांस्टेंट है ये बाहर आ गया तो अल्फा और ये क्या होगा सिग्मा एम आई आर आई का स्क्वायर, ये तुम पढ़ा होगा जड़त्व आघूर्ण तुम पहले पढ़ा होगा जो कि इसके पहले लेक्चर में पढ़ाया था, इसको क्या कहते हैं जड़त्व आघूर्ण कर सकते हैं, तो टॉर्क बराबर क्या होगा अल्फा गुना आई या टॉर्क बराबर आई अल्फा, ये तुमको दोनों के बीच में संबंध हो गया जड़त्व आघूण, इसलिए पहले पढ़ा देते किताब में तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में उल्टा है पहले बाद में जड़त्व आघूण, लेकिन हम पहले आप पढ़ाए थे इस तरह भी क्या कर रहे हैं साथ ही बता देंगे, तो टॉर्क बराबर क्या होगा तुम्हारा आई अल्फा, तो क्या सूत्र निकल गया टॉर्क बराबर आई अल्फा, तो जो कि देखो f बराबर जैसे टॉर्क कैसे किसे निकाले इसको फिर से एक बार देख लेते हैं उसके बाद, तो टॉर्क कोई एक दृढ़ पिंड है वह अल्फा कोणीय त्वरण से क्या कर रहा है एक अक्ष के परितः घूम रहा है, वो बिंदु से गुजरने वाले अक्ष के लंबवत अक्ष के परितः घूम रहा है, इसके इसका जो टॉर्क निकालेंगे क्या किए इस पे एक कण जो है तुमको एक कण लिए जिसका द्रव्यमान क्या है एम आई है और उसका अक्ष से उसकी जो दूरी है आर आई है, इस कण का जो त्वरण होगा त्वरण आई ए बराबर अल्फा, जो कि तुम देखोगे तो ये कोणीय त्वरण रेखीय त्वरण में कुछ एक एक दो क्लास पहले तुमको बताया गया है, तो अल्फा ए बराबर अल्फा तो उससे क्या निकल गया हमारा इसका त्वरण निकल गया, तो इसका रेखीय त्वरण निकला रेखीय त्वरण से क्या लिया बराबर एम ए से क्या निकाल लिया बल निकाल लिए बल निकल गया तो उसका आघूर्ण बल आघूर्ण निकालने में क्या कर दिया उसको दूरी से क्या कर दिया गुणा कर दिया साइन 90 डिग्री है
बल गुना दूरी कर दिए और कोण कितना था मेरा 90 डिग्री था, इसे साइन 90 था तो उसको नहीं लिखे हैं वहां पर, तो 1 हो गया। और कुल बल आप गुण निकालेंगे क्या कर दिया उसका समेशन लगा दिया, तो कुल पिंड कर ले गया और समेशन आ गया। हमको देख लिया एक जगह टर्म आ गया सिग्मा एम आई आर आई का स्क्वायर, इसको हम लोग क्या करते हैं हम लोग जड़त्व आवर्त गुणा करते हैं। इसका क्या संबंध आ गया टॉर्क बराबर आई अल्फा, ये तुमको बल आघूर्ण बराबर जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय बल, तो क्या सूत्र निकल गया यहीं पर कहीं पर लिख सकते हैं हम लोग टॉर्क बराबर आई अल्फा का मतलब हो गया बल आघूर्ण बराबर टॉर्क बराबर आई अल्फा। जैसे अभी बता रहे थे इसको तुलना करके कि जैसे एफ बराबर एम ए होता है, एफ का मतलब जो बल है, जैसे बल बराबर क्या था द्रव्यमान गुना त्वरण, जैसे समझो देखो याद करने के लिए एफ बराबर जैसे एम ए होता है तो एफ का जगह पर ये रेखीय स्थिति में कोणीय होगा टॉर्क लेगा एफ का जगह और द्रव्यमान का जगह आई हो जाता है जड़त्व आघूर्ण गुना अल्फा। तो कभी भी देखोगे दोनों का सूत्र याद करने में तुलना करोगे जैसे बल के जगह पर बल आघूर्ण आ जाएगा और द्रव्यमान की जगह यहाँ पर क्या जाएगा जड़त्व आघूर्ण और रेखीय त्वरण की जगह यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे सूत्र को इस तरह से बाद में और भी आगे बढ़ेंगे तो हम लोग और सभी सूत्र को भी इसमें रिलेट कर सकते हैं। तो ये बल आघूर्ण और किसके बीच में संबंध हो गया मतलब कि कोणीय त्वरण, और कोणीय त्वरण है तो उसके बाद कितना वेग से घूमेगा इसके लिए ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी, यू टी प्लस हाफ एक स्क्वायर पर याद हो गए सब बताए थे, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, इन सबों को मिला करके जैसे टॉर्क बराबर आई अल्फा से टॉर्क निकाले, फिर उससे आई अल्फा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जब जड़त्व आघूर्ण का मान देगा अल्फा निकाल लिए, अल्फा से वो कितना वेग होगा ये निकाल सकते, इस तरह के प्रश्न आते कितना कौन उससे घूमेगा, इन सब प्रकार के प्रश्न को इससे रिलेट करके हम लोग जैसे क्या कर सकते बना सकते हैं। तो इस तरह का प्रश्न भी तुमको जो है बनाने का कोशिश करोगे जहां भी तुमको किसी बुक से बना सकते हो, जहां भी दिक्कत हो हम संपर्क इसके लिए कर सकते हैं। तो ये तुमको था आज का जो लेक्चर था जिसमें हम लोग क्या पढ़े बल आघूर्ण के बारे में पढ़े, और तुमको अगले लेक्चर में हम लोग जो है कोणीय संवेग के बारे में पढ़ेंगे, और कोणीय संवेग तुम्हारा जो हो गया जैसे कि कोणीय संवेग इसी तरह से बल आघूर्ण से ही के टाइप से जुड़ा हुआ है, तो जिसको उसमें दोनों के बीच संबंध भी है कोणीय संवेग संरक्षण और बल आघूर्ण वगैरह का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दिलीप पिंड का जो कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त करना है।